आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान संगठन होती समूह द्वारा सऊदी यमनी सीमा पर सैन्य अभियानों को रोकने के लिए संघर्ष विराम लगा स्वागत करने के बाद एशियाई व्यापार की शुरुआत में तेल की कीमतें गिर गई हैं, जिसने संभावित आपूर्ति मुद्दों को लेकर चिंताओं को कुछ कम किया है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स $1.01 गिरकर $103.38 प्रति बैरल पे आ गया है। वहीं WTI क्रूड वायदा 84 सेंट या 0.9% गिरकर $98.43 प्रति बैरल पर आ गया है। आक्रमण को लेकर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने तेल की आपूर्ति बाधित कर दी थी और तेल की कीमतें लगभग $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो लगभग 14 वर्षों से सबसे अधिक कीमतें थी। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने यमन में संघर्ष विराम का स्वागत किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राज्य समाचार एजेंसी ने ये सूचना दी है। वहीं ईरान संगठन हौती समूह ने भी संघर्ष विराम का स्वागत किया है, जो यमन में संयुक्त अरब अमीरात सहित गठबंधन से लड़ रहा है। वहीं इस सप्ताह का शुरुआती नुकसान पिछले सप्ताह तेल की कीमतों में लगभग 13% की गिरावट के बाद देखने को मिला, जो 2 साल में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट थी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अब तक के सबसे बड़े अमेरिकी तेल भंडार को जारी करने की घोषणा की थी। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।